अच्छा साहब कोई डेरी दे आप गट्टू भरी आने आओ बेटा आओ डेरी देवा छु तनो ए लो आओ छोटे आओ इनो आ जाओ आ जा छोटे बेटे आ जा आजा छोटे अच्छा रुको इधर ये क्या कर रहे हो कैसे हो मुंशी आप छोटे बच्चे उन्होंने दाने दिते दुआत रहते अल्लाह दे नाम उन्होंने दाने दिते सारा साल हम इतनी मेहनत करते हैं इतनी खादों पे खर्चा करते हैं स्प्रे में करते हैं और आप बच्चों को ऐसे बांट रहे जैसे फ्री का माल चलो इधर दाने रखो और जाओ चलो जाओ यहाँ से बड़े आए दाने लेने वाले अब जल्दी करो गाड़ी भी आने वाली है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई मैं मदरसा अफजान मदीना से आया हूँ आपने जो उशर के दाने निकालने हैं वो आप मुझे दे ओ भाई चले जाओ यहाँ से पहले इतनी महंगाई है खर्चे पूरे होते नहीं ऊपर से ये मदरसे वाले मांगने आ जाते ओ भाई साहब कोई उशर वगैरह के दाने नहीं है आप जा सकते जल्दी करो आप काम करो यार कैसे लोग हैं उशर के दाने भी नहीं देते अल्लाह इनको हिदायत दे आओ सर ये भी हमारे क्लाइंट हैं इनसे भी पता करते हैं कि एवरेज कितनी आई है इनकी हाँ चलें क्यों नहीं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सुनाएं भाई इस साल आपकी गंदम की एवरेज कैसी रही है ओ भाई एवरेज का ना ही पूछें तो बेहतर है इतनी महंगाई के बावजूद इतनी मेहनत की और एवरेज आपके सामने सिर्फ 9-10 बोरियां एवरेज आ रही आपकी मेहनत पे तो कोई शक नहीं है भाई साहब आपने बीज भी माशाल्लाह अच्छा डाला है लेकिन जो एवरेज आई है ना इस बार समझ नहीं आ रही ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ भी और एहसान के साथ भी हाँ सर वाकई हमारी समझ से भी बाहर ही है बात सर आगे चलें एक और क्लाइंट पे उससे भी मिलते हैं चलें आ जाएं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सुनाएं भाई साहब आपने गंदम क्यों नहीं निकाली अभी तक वैसे क्या औसत आ रही है आपके इलाके में सर मेरी इस गंदम में नमी मौजूद है अभी आपको तो पता है कि बारिशें हो रही हैं वैसे मेरी साथ वाली 2 एकड़ जमीन थी उससे मैंने कनक निकाली है वो माशाल्लाह 40 बोरियां हो गई क्या भाई साहब 40 बोरियां कैसर भाई आपने इस भाई को कौन सी स्प्रे और खादें इस्तेमाल करवाई हैं जो उसके फी एकड़ 20 बोरी औसत आई है सर मैंने तो सबको एक ही फार्मूला इस्तेमाल किया इस भाई से मजीद पूछ लेते हैं कि इसने क्या ऐसा डाला है जितनी औसत आई है वैसे भाई साहब हम पूरा इलाका विजिट करके आ रहे हैं हर किसी की 10-11 बोरी औसत आ रही है ऐसा आपने क्या डाला है गंदे में जो आपकी 20 बोरी औसत आई सर स्प्रे खाद वाला फार्मूला तो मैंने आपका ही इस्तेमाल किया है जो आपने पूरे इलाके में दिया है लेकिन एक बुजुर्ग ने मुझे एक तरकीब बताई थी मैंने उस पे अमल किया ऐसा क्या तरीका था जो आपको बुजुर्ग ने बताया सर उस बुजुर्ग के पास मैं आपको ले चलता हूँ वही आपको बताएगा चले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी उस्मान बेटा बड़े अरसे बाद हमारे गरीब खाने का रास्ता कैसे भूल गए जी जी बुजुर्गो आपको तो पता है कि गंदम में मसरूफ थे बताओ बेटा आपकी फसल कैसी हुई मुझे पूरा यकीन है अगर आपने मेरे कहे हुए तरीके पर अमल किया होगा तो आपकी 100% फसल अच्छी होगी जी जी बुजुर्गो माशाल्लाह मेरी फसल बहुत ही अच्छी हुई है बुजुर्गो आपने वैसे उस्मान को कौन सा ऐसा तरीका बताया जो इसकी गंदम इतनी अच्छी हुई है वैसे बुजुर्गो इनकी तो गंदम का कोई जोड़ ही नहीं है बेटा मैंने इनको खाद या स्प्रे वगैरह का नहीं बताया था मैंने एक शरई तरीका बताया था अपनी फसल का उशर जरूर निकाला करें आप खुद भी इस पर अमल करें और अपने सब कस्टमर को भी ये बताएं बेटा हमारी फसलें इसीलिए अच्छी नहीं होती कि हम उशर अदा नहीं करते देखे उस्मान ने उशर अदा किया इसकी कितनी ज्यादा अच्छी फसल हुई है हम सब मुसलमान अगर ये तहैया कर लें कि हम उशर अदा करेंगे हमारी भी फसलें ऐसी अच्छी होंगी जैसे उस्मान की अच्छी फसल हुई है जी जी बुजुर्गो हम इंशाल्लाह इंदा से अपने कस्टमर को दवाई के साथ उशर की तरकीब भी लाजमी देंगे ताकि फसल भी 2 गुना हो और अल्लाह का हुक्म भी पूरा हो जी जी बुजुर्गो हमें फसल की कटाई के दौरान जरूर उशर अदा करना चाहिए ताकि हमारी फसलों में भी निखार आए जी बेटा माशाल्लाह अल्लाह हम सबको अपने रिज्क में से उशर देने की तौफीक अता करे आमीन गंदम की कटाई से पहले सदका दें और ये भी नियत कर लें कि फसल घर ले जाने से पहले
زکات اور عشر ادا کر کے جاؤں گا۔ یہ پیغام ہر کسان تک پہنچنا چاہیے۔ میسج اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔